एक सवाल एक भाई ने ये किया है, क्या बीवी शौहर को नाम लेकर पुकार सकती है, बुला सकती है क्या? जवाब ये है कि असल में कुछ लोगों का तसव्वुर है, सोच है कि बीवी अगर शौहर का नाम ले तो निकाह टूट जाता है, जो कि सरासर गलत है। इसका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है, निकाह अपनी जगह बिल्कुल बरकरार रहेगा। बीवी शौहर का नाम ले उससे कोई असर नहीं पड़ेगा निकाह पर। हाँ, अलबत्ता बीवी शौहर का नाम ले और लेकर बुलाए पुकारे, इसमें बेअदबी है। बेअदबी इसलिए है कि शौहर का मकाम बीवी के मुकाबले में बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। जैसे वालिदैन का मकाम होता है औलाद के सामने, कोई भी औलाद अपने वालिद को नाम से नहीं बुलाती, बेअदबी हर कोई समझता है। तो इसी तरीके से शौहर का मकाम भी बड़ा ऊंचा है, इतना ऊंचा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता वो शौहरों को सजदा करें, इतना बड़ा मकाम है। तो इस मकाम का अदब ये है कि बीवी शौहर को नाम से ना पुकारे, उसकी जगह कोई और तरीका इख्तियार कर ले जिसमें अदब हो।